हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल नंबर 6.6। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड vi is given by 2 meter per second, enters a rough patch ranging from x is equal to 0.10 meter. Your मतलब ये जो rough surface है वो 0.10 meter से start हो रही है और complete हो रही है 2.01 meter तक, ठीक है। चलो अगर let's visualize the problem कि भाई किस type का problem है। तो कि भाई according to question अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ऐसा सरफेस है उसमें ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक की कुछ इनिशियल स्पीड दे रखी है वी आई विच इज अ 2 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ रफ पैच, तो थोड़े देर के बाद ऐसा रफ पैच शुरू हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये रफ वाला पोर्शन है, ये वाला। ओके, इफ वी से कि ये हमारा ओरिजिन है ओ, वेयर द पोजिशन इज x इज इक्वल टू 0, तो 0 से यहाँ पे ये जो रफ पोजिशन है, रफ पोजिशन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.10 टू आखिरी वाला जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 2.01 मीटर यहाँ पे है। द रिटार्डिंग फोर्स F ऑन द ब्लॉक इन द रेंज, जब ब्लॉक ये रफ सर्फेस पे ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है एफ, एंड दिस रिटार्डिंग फोर्स इज गिवन बाय क्या लिखा है, रिटार्डिंग फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर दिस रेंज, मतलब वो रिटार्डिंग फोर्स एफ आर इज गिवन बाय माइनस के बाय एक्स। ये जो रिटार्डिंग फोर्स है एफ ऑफ आर इतना लग रहा है ब्लॉक पे, फॉर विच रेंज, वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 0.10 to 2.01 meter। ये हमें रेंज दे रखी है कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजिशन अगर 2.01 से कम, लेस देन 2.01 और ग्रेटर देन 0.10, इन दोनों के बीच में जब भी हमारा ब्लॉक होगा तब उस पर यह फोर्स एप्लीकेबल होगा जो कि रिटार्डिंग फोर्स है, एंड वही फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0, बट कहां पे, फॉर एक्स इज लेस देन 0.1 मीटर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2.01 मीटर। रेडी, चलो। सो जब वो लेस देन 0.1 है, दो कंडीशन दे रखी है कि वेन द पोजिशन इज एट बिलो 0.1, मतलब 0.1 से कम, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बस ये वाले पोर्शन में जो मैंने zigzag दिखाया उसमें ही है। सो लोअर देन द 0.10 और ग्रेटर देन 2.01, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो वहां पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 है। वेयर k इज इक्वल टू 0.5 जूल, हमें k की वैल्यू दे रखी है, k है 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड वी एफ ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसिस दिस पैच, जब यहां पर स्टार्ट किया था ना पैच पे तब वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, बट यहां पर जब वो पैच को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने के बाद यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है और वहां उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लिखा हुआ है, मैक्सिमम ट्राई किया कि ये आप इसको विजुलाइज कर पाओ। ओके, सो लेट्स सॉल्व द आंसर। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू डेल्टा K, रेडी। नाउ हियर वी कैन से कि फोर्स की फॉर्मूला में सिर्फ k की वैल्यू 0.5, k ही कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है,
जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपका एक्स डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब एक्स की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारा एफ आर भी चेंज हो जाएगा। सो हियर वी कैन से हियर फोर्स इज वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क की फॉर्मूला क्या थी? इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये वर्क की जगह लिख दिया इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। प्रीवियस लेक्चर में देखा मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स एंड डेल्टा के मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हियर वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्म एक्स, सो लिमिट में भी हमें क्या रखना पड़ेगा एक्स। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स की वैल्यू? फ्रिक्शन 0.10 से लेके ये डिस्टेंस तक है, तो ऑब्वियसली लिमिट में हम डालेंगे 0.10 टू 2.01। रेडी? नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस एफ, ये एफ ऑफ आर उसकी वैल्यू है माइनस के बाय एक्स। सो इंटीग्रेशन 0.10 टू 2.01 और एफ आर की वैल्यू है माइनस के बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। के आई मीन्स अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वन हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, वन हाफ एम वी स्क्वायर। रेडी? अब यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है तो लेट्स टेक द के आउटसाइड। इंटीग्रेशन अगेन वैल्यू 0.10 टू 2.01, वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के एफ माइनस वन बाय टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 1 किलोग्राम एंड इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। रेडी? ओके, नाउ पे अटेंशन। माइनस के एज इट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, तो यहां पे हम एक लॉ यूज करेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का फॉर्मूला होता है ln x, वेर ln इज अ नेचुरल लॉग। ln क्या है? नेचुरल लॉग। सो हम यहां पे ये फॉर्मूला के यूज करेंगे यहां पे। तो पहले इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा? ln x। तो ये ln x और वैल्यूज आएगी हमारी लिमिट 0.10 से लेके 2.01, ठीक है, इज इक्वल टू के एफ एंड दिस काइनेटिक एनर्जी 2 टू 4, 4/2 तो -2, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है ये फाइनल वाला टर्म वो आएगा हमारा 2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे भाई, माइनस के की वैल्यू, के की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 ln x। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ln 2.01 माइनस ln 0.10 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी -2, ठीक है। अब यहां पे एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैथ्स का, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाय बी। ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला मैथ्स के हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ln a माइनस ln b, तो ये हो गया ln a माइनस ln b। फॉर्मूला क्या होता है? ln a बाय बी। सो माइनस 0.5 एज इट इज एंड ln a बाय बी मीन्स 2.01 बाय 0.10 ब्रैकेट कंप्लीट KF-2, ठीक है। ln a माइनस ln b ln a बाय b, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है यहां पे। अब क्या करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस 0.5 ln 2.01 बाय 0.1, तो इसका आंसर आएगा ln 20.1 इज इक्वल टू KF-2। अब एक और रूल मैथ्स का कि ln की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, माइनस 0.5। अगर ln रिमूव करना है तो ln की जगह हो जाएगा 2.303 log 20.1 इज इक्वल टू के एफ माइनस 2। रेडी? दिस इज अ रूल
कि नेचुरल लॉग को अगर हमें नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है. सी देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल लॉग एंड सिंपल लॉग. नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू राइट 2.303 इनटू सिंपल लॉगरिथम विच हैज द पावर ऑफ 10, बेस ऑफ 10 एंड योर वैल्यू 20.1 इज इक्वल टू kf माइनस 2. सो लॉग टेबल में जाओ और लॉग 20.1 की वैल्यू देखो. वो 20.1 की वैल्यू देखो, उसको फाइंड करो, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो और 2.303 से मल्टीप्लाई करके 0.5 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो चलो. सो ये टर्म अगर सॉल्व करोगे, 20.1 की वैल्यू फाइंड करो, 2.303 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 0.5 से मल्टीप्लाई करो, ये सबका आंसर आएगा तुम्हारा माइनस 1.5 इज इक्वल टू के एफ माइनस 2. सो ऑब्वियसली के एफ इज इक्वल टू, ये माइनस 2 राइट में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 माइनस 1.5. सो के एफ इज इक्वल टू 0.5 जूल. ठीक है, सो नाउ के एफ इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी. हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी थी और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. अब इसी को यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे, वेर वी विल यूज द फॉर्मूला के एफ इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर. ठीक है, सो के एफ की वैल्यू हमें मिल गई है 0.5, 1/2 और मास था हमारा 1 एंड वी एफ स्क्वायर. सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 विच विल गिव यू द 1. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि वी एफ की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1, विच इज ऑलवेज अंडर रूट 1 इज 1. सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ आवर ब्लॉक. ठीक है, चलो. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. डोंट एवर हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन. सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 6.7, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. PE means potential energy. देखो क्या होता है ये potential energy, and potential energy को verify करने के बहुत सारी method है. देखो let's start with our initial point कि हमने work done से start किया था. When our object is placed on the surface, suppose कि इसकी initial velocity थी 0 and we are applying a force F over here. Due to this force, my object is starting to move from here to here. That means now it is getting some displacement D. And of course, यहाँ पे उसकी कुछ final velocity होगी. So by doing work, हमने क्या किया, इसको velocity दे दी. मतलब हमने work क्या है, energy. तो मैंने energy दी, वो energy का object ने use किया और उसको कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी में. मतलब हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में. सो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी व्हिच हैज अ रिलेशन विद द वेलोसिटी. व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट हैज टू बी हैव सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, वी कैन से. तो क्या हर बार हम वर्क डन करेंगे, मतलब हम एनर्जी देंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी ही मिलेगी? इज इट नेसेसरी? सो आंसर इज नो. कभी कभी ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी भी मिलती है. अब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी. रीजन, ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो दिख ही जाएगा मोशन में, तो भाई काइनेटिक एनर्जी है उसके पास. पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? ठीक है, सो पे अटेंशन, देर आर सो मैनी मेथड्स.
बट आई एम आई विल टीच यू द इजिएस्ट मेथड हाउ फॉर दैट वी कैन से कि ऑब्जेक्ट हमारे पोटेंशियल एनर्जी पे है उसके पास. सो पहला, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट टू अगेंस्ट द फील्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फील्ड के अगेंस्ट में ले जाएंगे ना, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट टू अगेंस्ट द फील्ड ऑफ द अर्थ वी हैव टू वर्क. और वर्क क्या है? एनर्जी. अगर हमें ऑब्जेक्ट को किसी फील्ड के अगेंस्ट में ले जाना है तो ऑब्वियसली हमें वर्क करना पड़ेगा. एक अच्छा सा एग्जांपल भी दूंगा मैं इसका. अब वर्क मतलब क्या है? एनर्जी मतलब हमने एनर्जी दे दी उसको, वो एनर्जी का यूज करके ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट जाएगा अगेंस्ट द फील्ड, और अगेंस्ट द फील्ड जाके वो एक पोजीशन ले लेगा. क्या करेगा? एक पोजीशन ऑक्यूपाइड कर लेगा. अब जब वो ऑब्जेक्ट पोजीशन ले लेता है, ऑक्यूपाइड कर लेता है, सो नाउ दैट ऑब्जेक्ट हैव सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, आफ्टर ऑक्यूपाइंग पोजिशन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्जेक्ट के पास अब पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसा कह सकते हैं. चलो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. When we are bringing object to against the field, ये है ground, earth surface, or we can say ground, और ये रहा object. Always there is a gravitational field, gravitational force, ठीक है, against the field, that could be a field or that could be a force field. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि gravitational force का field है जो always नीचे लगता है. अब मुझे ये ऑब्जेक्ट को ले जाना है ऊपर यहां पे. ऑब्वियसली आई हैव टू डू सम वर्क, है ना. और ये बात हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट को अगर किसी फोर्स के या फील्ड के अगेंस्ट में ले जाना है ना तो ही वर्क करना पड़ेगा. रीजन, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ऑब्जेक्ट यहां पे है, हमने पकड़ के रखा है, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लग रही है. अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाना है तो मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जस्ट रिलीज इट, ऑटोमेटिक चला जाएगा. क्यों? क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उसको इन द डिरेक्शन ऑफ फील्ड. हम अगेंस्ट द फील्ड नहीं जा रहे, हम इन द डिरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हैं. तो अब ये केस में हमें कोई भी वर्क करना पड़ेगा नहीं. रेडी? चलो नाउ, बट ये केस में तो हमें वर्क करना पड़ेगा. ये मान लो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं. ठीक है, अब When we are bringing object to against the field, field के against में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Work देना करना पड़ेगा, हमें कुछ energy देनी पड़ेगी. अब energy का use करके object ऊपर आ गया, मान लो उसने यहाँ पे position gain कर ली. After occupying position, we can say our object is having potential energy. उसने position ले ली, खत्म, बस. जितनी energy आपने दी थी वो energy का use करके वो maximum height पे पहुंच गया यहाँ पे. अब यहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? हाउ कैन आई नो दैट माय ऑब्जेक्ट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी? सो देयर इज अ रूल ऑफ फिजिक्स. इफ योर ऑब्जेक्ट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी,
एंड यू नीड टू वेरीफाई इट, यू हैव टू जस्ट रिलीज द ऑब्जेक्ट, बस उसको एक बार रिलीज कर दो. आफ्टर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट विल शो इट्स ओन एनर्जी. वो सामने से दिखाएगा कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, देखो ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, यहां पे अभी मैंने पकड़ के रखा है, छोड़ दो उसको, तो सीधा नीचे आएगा, मोशन में आ जाएगा. मतलब वो दिखाएगा कि देखो मेरे पास एनर्जी थी, है ना. सो ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो तभी पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को रिलीज करो. रिलीज करने के बाद वो अगर डायरेक्टली सीधा मोशन करना स्टार्ट करता है या कुछ भी फॉर्म में आपको शो करता है कि भाई मेरे पास है एनर्जी, तो समझ लेना कि वो पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी. रेडी? तो ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी कब मिल सकती है, व्हेन कैन एट ऑन विच केसेस माय ऑब्जेक्ट कैन गेट द पोटेंशियल एनर्जी. एक ही पॉइंट पे उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी अगर तुम उसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हो. तो पता है पोटेंशियल एनर्जी पे मैं इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये है पोटेंशियल एनर्जी. चैप्टर नंबर 8 में आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी चैप्टर में आएगी स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी, 12th में आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 12th में आएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. फिजिक्स में 10 से 12 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है और हर एक के फंडा अलग अलग है. बस एक ही चीज कॉमन है सब में, दैट इज ओनली वन कॉमन थिंग ऑन ईच पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज दिस, कि अगर ऑब्जेक्ट को फील्ड के अगेंस्ट में ले जाते हो और वहां जाके पोजीशन वो ले लेता है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. हाउ कैन वी वेरीफाई, उसको रिलीज कर दो, पता चल जाएगा. चलो ये तो पता चल गया, अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी. नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कैसे फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी. तो आपके बुक में एक डेफिनेशन दे रखी है, आई एम रीडिंग द डेफिनेशन और आपको फाइंड करनी है कि कहां लिखा है वो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ द हाइट एच. मैं आपको दिखाई देता हूं कि कहां लिखा है ये डेफिनेशन. ये ऐसी जो फॉर्मूला दिख रही ना, उसके जस्ट ऊपर मैंने देखो यहां पे अंडरलाइन भी किया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये उसकी डेफिनेशन है. आई एम रीडिंग द डेफिनेशन अगेन. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ हाइट एच इज डिनोटेड बाय वी ऑफ एच. पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करता है हाइट पे, जितनी हाइट में ज्यादा दूंगा, अगर मैं यहां पे ले जाता हूं तो ऑब्वियसली वो नीचे ज्यादा वेलोसिटी से गिरेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसको खींच रहा है, एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है ना. आपके सर पे अगर पत्थर गिरे, फर्स्ट फ्लोर पे से पत्थर गिरे और 10th फ्लोर पे से पत्थर गिरेगा, तो कौन से केस में इंजरी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली 10th फ्लोर से जब छोटा सा पत्थर गिरेगा तो भी डेथ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा है. और ये हाइट से क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो स्टोन को हायर वेलोसिटी देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है. सो व्हेन यू आर गेनिंग द मैक्सिमम हाइट, you are having the high energy. So we can say our potential energy depends upon the height. ठीक है, denoted by V of H and it is a negative of work done. देखो potential energy को क्या बोला है, negative of work done by the gravitational by the gravitational force in raising the object to that height. ये है भाई हमारी definition. अब इसी का use करके हम formula बनाएंगे कि भाई V of H का formula क्या होगा, negative of work done by the gravitational force in raising the object to the height.
ऑब्जेक्ट को अगर एच हाइट देनी है तो ये प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, मतलब एफ डी कॉस थीटा, तो एफ है हमारा एफ जी, क्योंकि वर्क डन हमें ग्रेविटेशन का फाइंड करना है, सो ऑब्वियसली फोर्स भी हम ग्रेविटेशन का ही लेंगे, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है एच, सो एफ डी कॉस थीटा, वेट थीटा इज अ एंगल बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज, तो एफ जी नीचे लग रहा है और हाइट हो रही है ऊपर, दोनों ऑपोजिट है तो उनके बीच में एंगल बनेगा 180, सो वी ऑफ एच इज माइनस एफ जी एच एंड कॉस 180, कॉस 180 हो जाएगा माइनस 1, सो हियर वी कैन से वी ऑफ एच माइनस माइनस प्लस एफ जी इंटू एच, हियर एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी फॉर्मूला थे एफ इज इक्वल टू एम जी, और वो वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो वी ऑफ एच इज इक्वल टू एम जी एच, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, ठीक है, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस कंसेप्ट अब हम ये भी कह सकते हैं, देखो वन मोर थिंग क्या लिखा है जस्ट फॉर्मूला के नीचे, इट इज इजीली सीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ डेरिवेशन ऑफ वी एच विथ रिस्पेक्ट टू एच डी बाय डी एच ऑफ वी ऑफ एच, ठीक है, तो वो बोल रहे कि ऐसा फॉर्मूला भी पॉसिबल है, चलो ये सच में ऐसा होता है क्या, लेट्स चेक, ठीक है, तो लेट्स ट्राई, माइनस डी बाय डी एच वी ऑफ एच, और वी ऑफ एच की फॉर्मूला क्या मिली मुझे एम जी एच, सो हियर माइनस और एम जी को मैं कॉमन ले लेता हूं, डी बाय डी एच ऑफ एच, सिर्फ एच बचा बाकी को मैंने बाहर ले लिया, ये डी एच डी एच कैंसिल, सो ऑब्वियसली मुझे क्या मिल गया एफ इजिकल टू माइनस एम जी, हमारे मेन पॉइंट पे हम आ गए, बस यहाँ पे माइनस क्या डिनोट करता है कि एफ की डिरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, सो यहाँ पे जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, इट इज इजीली सीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये प्रूफ हो रहा है कि भी इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो डिरेक्शन के साथ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलती है, तो ये जनरलाइज क्या बनेगा, अब इसका जनरलाइज बनेगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये वी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस से डिफरेंशिएशन करो और वो डिफरेंशिएशन की नेगेटिव वैल्यू मतलब तुम्हारा फोर्स, अगेन इट इज अ मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, सो ये जो हमने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ा है उसके दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच एंड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेडी, अभी ये थियरी इनकम्प्लीट है, इसके बाद आगे के जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये हमने देखा है बस यहां तक अप टू द फॉर्मूला दिस, ठीक है, यहां तक हमने देखा, इसके बाद वाला जो भी है वो कंसेप्ट हम देखेंगे बाद में, वो कुछ भी नहीं है, बस इसी को यूज करके हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी के टोटल तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएंगे और तीसरा फॉर्मूला हम कल पढ़ेंगे, सो माय डियर स्टूडेंट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस सेक्शन यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।